हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नेहा सिंह राठौर, और आज मैं आई हुई हूँ पीछे। खेत खलिहान हरा भरा दिख रहा होगा। मैं अपने गांव आई हूँ, गांव मैंने अपने ससुराल, और मैं आई हूँ आंवले की बगिया में। इस एरिया को झंझरी बोला जाता है, तो झंझरी में आंवले की बगिया मेरे बाबा ससुर ने लगाया था बड़ा मन से। जो भी फल फूल रहा है तो नाती पोता खा रहे हैं उनके। तो मैंने सोचा था, खैर उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि उनकी एक नतीन पतो हो आएगी जो एक दिन इस तरीके से उनके विरासत को आगे बढ़ाने का काम करेगी गाइस। तो मैंने सोचा था कि मैं आंवला खुद तोड़ूंगी, लेकिन धान लगा हुआ है और धान में पानी लगा हुआ है, तो मैं अभी नहीं जा सकती क्योंकि पानी ज्यादा लगा हुआ है, कीचड़ कीचड़ है। हमारे सहयोगी हैं सुभाष भैया, जो आपको आंवले के पेड़ पे चढ़ के आंवला तोड़ते हुए नजर आएंगे। मैं चाहूंगी कि कैमरे को थोड़ा जूम किया जाए और आंवला तोड़ते हुए सुभाष भैया की एकदम बढ़िया उनका वीडियो आ रहा है। सुभाष भैया बहुत मेहनत कर रहे हैं। सुभाष भैया, बस कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। निकालिए निकालिए, तोड़िए फिर। 10 किलो कुल मिला जुला के बस तोड़ेंगे, ठीक है? ना तू तोड़ा हो। अच्छा, तोड़ा तोड़ा तोड़ा। बहुत ऊंचा मत चढ़िएगा, डाली बहुत पतली है। उनको समझदारी है, इसकी वजह समझदारी होती है। कई बार आदमी थोड़ा समझ नहीं पाता है, इतना लगा हुआ है यार इसमें, इतना ही तो छोटा सा पेड़ झुनकुट जैसा दिख रहा है, इसमें पत्ते नहीं है, खाली फल लगा हुआ है। बाकी सबसे तोड़ लिया गया है, कुछ कुछ बचा हुआ है, उसमें बचा है। 2 किलो। अच्छा ठीक है ठीक। कै किलो भाई हो? 2 किलो है। 2 किलो? हाँ। अरे महाराज, 2 किलो ना चाहिए यार, और तोरा भैया तब है कात रहे तो उसे झोरवा पलट दे। अच्छा आवा आवा आवा, बहुत बाबा नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ नीचे आ जाओ। तो नेहा जी, आपको यहाँ आके कैसा लगता है? पिछली बार आपने वीडियो एक बनाया था यहाँ पे। पिछली बार मैं जब आई थी तो मैं पूरी तरीके से स्वस्थ थी, और मैं थोड़ा लेट आई थी जब मैं आंवले की पेड़ पे चढ़ करके, क्योंकि कटाई हो गई थी शायद उस टाइम धान की, और ठंडी हल्की हल्की पड़ रही थी। अभी तो उमस और गर्मी भी लग रही है, मैं थोड़ा पहले आ गई तभी तो धान हरे भरे दिख रहे हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे भी कुछ पेड़ लगाने चाहिए। मैंने लगाया है, मैं और आम का पेड़ लगाऊंगी और खूब सारा बाग लगाऊंगी। पता नहीं तब तक तो शायद मैं नहीं रहूंगी, मेरे नाती पोता रहेंगे। तो तुम जिसके लगाए पेड़ से फल खा रही हो, तुमने तो नहीं लगाया ना, तो ऐसे ही चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी। आप अभी कीजिए, आपकी अगली पुश्तें खाएंगी। और बाबा लोग पहले के दूरदर्शी तो थे ही, हम लोगों से ज्यादा ही, जो इतना आंवला और इतना पेड़ वेड़ लगा करके गए हैं। सही बात है, मुझे बहुत यहाँ अच्छा लगता है, दिव्य अनुभव होता है। और मेरे बाबा ससुर जहाँ होंगे वहाँ से प्राउड फील कर रहे होंगे, है कि नहीं? मुझे पता है वो कर ही रहे होंगे। भैया कितना तोड़ करके लाए? बहुत बढ़िया, दिखाओ तो नहीं कितना बा? मैं यहाँ नीचे गिराती हूँ। वाह, ये कितना किलो होगा? वो हिमांशु, ये होगा 5 किलो के आसपास, 5-7 किलो। तो होगा। जाने देते हैं फिर इतना ही। भैया तो आपको चूटी काट रही थी ना? हाँ जाने दीजिए, कोई बात नहीं, बस इतना ही ठीक है। इतने में तो हमारे लिस्ट से अगर कोई गुणी लोग जुड़े होंगे, गुणी गेथिल लोग, वो महिलाएं भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। मुझे आंवले का मुरब्बा बहुत पसंद है गाइस, तो अगर आप लोग मेरे लिए बना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलूंगी। डील डील अधिया पे। अधिया पे क्या? अधिया पे रहेगा मतलब आप बनाएंगे तो आप आधा रख लीजिएगा, आधा मुझे दे दीजिएगा, डील ऐसे ही। तो डील डन किया जाए गाइस? कमेंट में बताइएगा कि डील डन की नहीं। ओके गाइस, अरे रुक जाओ, ऐसे ओके नहीं। सुभाष भैया को सुभाष भैया, आइए आइए आइए, ये आप लीजिए। ठीक है, आपने बहुत मेहनत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, पानी पियेंगे? प्यास ना लागबा तो ना पिया फिर। ठीक बा, जाइयो हम या। एक गाड़ी अंदर आया था। हाँ हाँ, इसको गाड़ी मेरे पास। सबको बाय बोल दो फिर बंद करे। ओके गाइस, बाय बाय।